वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या दिखता है। आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। मैं 2 सेकंड आगे चल रहा हूँ और उसके बाद में मुझे ऐसा सा व्यू दिख रहे हैं ना। तंदूरी चाय बन रही है। टाइम हो रहा रात के 10। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब, होप करता हूँ खतरनाक हो गए मेरी तरह। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि आज का ट्रिप ना अनप्लान ट्रिप है। देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं। बने रहो व्लॉग में। क्राउड देखो पठानकोट में कितना ही ज़्यादा क्राउड है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4-6 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गए चंडीगढ़ टू पठानकोट। अब रेलवे स्टेशन से जाएंगे बस स्टैंड, बस स्टैंड से बस पकड़ के जाएंगे डलहौजी। चलो चलते हैं और वहां जाके मिलते हैं। फाइनली डलहौजी पहुंच गए 3 घंटे बाद। और कम से कम मुझे 24 घंटे से ना ज़्यादा हो गया, मैं सोया नहीं हूँ। मेरी आंखें देख के पता चल रहा होगा। अभी होटल जा रहे हैं, होटल चलते हैं, उसके बाद सो जाते हैं आराम से जाके। उसके बाद में शाम को उठ के फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, इन्जॉय करो, चिल मारो। ये देखो गाइस, ये कोई भगवान है, इनकी पूजा करते होंगे यहाँ के लोग। ये देखो रोड साइड में कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। अभी दिखाता हूँ व्यू आपको अच्छे से। ये देखो गाइस, पत्थरों पे क्या क्या बना रखा है, बहुत ही सही। और पीछे व्यू चेक करो आप। मैं 2 सेकंड आगे चल रहा हूँ और उसके बाद में मुझे ऐसा सा व्यू दिख रहे हैं ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा आगे जाने का। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं घर पहाड़ों के बीच में। ये देखो गाइस, हर दीवार पे पेंटिंग बनी हुई है, हर दीवार पे। सुबह पहुंच गए थे 12 बजे होटल में, होटल जाके सो गए वहाँ पे। अभी थोड़ा शाम को घूमने आया है, लोकल मार्केट घूमते और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, चर्च है, लोकल मार्केट है। कल जाएंगे खजियार, वो घुमाते हैं आपको। कबूतर बैठा रखा है। अरे मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, वो ऊपर है तंदूरी चाय, देखते हैं वहाँ चलते हैं पी के आते हैं। तंदूरी चाय बन रही है। ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट है। कैंट। चलो जाके आते हैं अंदर चर्च में, लग तो ओपन ही रहा है वैसे। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। वैसे मैं कभी गया नहीं हूँ चर्च में। अभी आए हम सुभाष चौक। ये देखो पीछे लिखा हुआ है आई लव डलहौजी। फोटो फोटो क्लिक करते हैं यहाँ पे, थोड़ा बैठते हैं फिर निकलते हैं। पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और 8 बजे अपनी कैब आने वाली है। आज हम डलहौजी और खजियार एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं जल्दी से रेडी होता हूँ, उसके बाद चलते हैं घूमने। और पीछे व्यू चेक करो विंडो से, क्या ही व्यू आ रहा है। फाइनली अपनी कैब आ चुकी है, चलो चलते हैं। सुबह की पहली लोकेशन ये देखो, यहाँ टैंकर, ये बस बोल रहा हूँ, जीप, और इधर लॉन्चर है, और ये एरोप्लेन बना रखे हैं। ये मुझे नहीं पता कि ये रियल के है या ऐसे बना रखे हैं आर्टिफिशियल। ये लिखी हुई है इसकी स्टोरी, किस किस का है ये, किसको ट्रिब्यूट दिया गया है। ट्रिब्यूट टू ऑल मदर्स, नाइस। कितना ही प्यारा रोड है, इसको बोलते हैं बीजी पार्क। देखो यहाँ पे टैंकर भी है। चलो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं।
देखिए हम सेकंड व्यू पॉइंट पे ग्रीन वैली, पूरी ग्रीन ग्रीन ग्रीन। रास्ता चेक करो, लोकेशन पे पहुंच गए मंदिर में। ये देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, बम बोले। व्यू चेक करो, मंदिर के अंदर मत्था टेक के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में आपका स्वागत है। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या दिखता है। बस मुझे वो सामने ऊपर रोड पे व्यू चेक करो गाइस, मिनी स्विट्जरलैंड। अभी इसमें बोट भी चल रही थी एक, वो रही साइड में, दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, पीछे पानी है, गंदा सा पानी है, बोटिंग बोटिंग भी नहीं होगी। और धूप बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे तो लग रहा था यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम होएगा, लेकिन धूप है। तो धूप में क्या ही आप यहाँ पे पिकनिक मनाओगे। चंडीगढ़ आ जाना पार्क, वहाँ पे बहुत पार्क है ऐसी पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन व्यू एक नंबर, व्यू चेक करो। ये देखो सारे पैसे व्यू के। अभी सफाई चल रही है यहाँ वो इसकी, खजियार। आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग छोटे बच्चों को करवा सकते हो, और ये बॉल्स के साथ भी खेल सकते हो। बहुत छोटी सी है, बस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंडिंग, छोटे बच्चों के साथ में वीडियो बन जाती है। नाइस। और जो वो लेक थी ना, वो नाग देवता की लेक है, अभी थोड़ी गंदी हो रखी है, सफाई कर रहे हैं उसकी। बाकी फुल मस्ती हो रही है, एंजॉय। व्यू देखो सारे पैसे व्यू के हैं, व्यू के। कम से कम 1.5-2 घंटे हो गए यहाँ पे फोटोज खींचते हुए, और बैठे एंजॉय करा, खाया पिया, अब निकलते हैं। एक ना ट्रैक है यहाँ पे, मैं नाम भूल गया कि कौन सा ट्रैक है, देखते हैं वहाँ जाएंगे, नहीं तो काला टॉप जाके आते हैं, वहाँ पे भालू मिलेगा, भालू। अब देखते हैं काला टॉप जाते हैं या ट्रैक पे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं दिखाते हैं। और अब ना क्राउड बहुत आ गया और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, ये देखो चेक करो व्यू, टूरिस्ट देखो कितना आ गया। वहाँ पे गेम्स हो रही, पूरा टूरिस्ट से भरा पड़ा ये। पहले हम काला टॉप जा रहे थे, वहाँ पे ना भालू भालू है, तो इस टाइम तो दिन में कोई नहीं दिखता, बस बोलते हैं कि वहाँ पे भालू है, बट दिखता कुछ नहीं है, इसलिए वो कैंसिल करके हम आ गए इधर डेन कुंड ट्रैक करने। देखो व्यू अभी स्टार्ट ही किया है, चलते आगे दिखाते हैं। आवाज़ सुना होगा कि हमें वहाँ पे जाना ऊपर, और व्यू एक नंबर। वहाँ जाते हैं ऊपर टॉप पे, फिर वहाँ से व्यू दिखाते हैं सीधा। 2-1 गो। सीधी चढ़ाई खत्म हो गई, अब आ गया प्लेन रास्ता, रोड रोड है पूरा। देखो 1 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो गया, 1 किलोमीटर और रह गया, चलो चलते हैं। 1 किलोमीटर देखो यहाँ, ये 400 मीटर का ट्रैक रह गया, रास्ता देखो पीछे।
व्यू दिखाता हूँ आपको, व्यू चेक करो गाइस, हवा चल रही है इतनी ज़्यादा, अभी हमने जाना इधर आगे, चलो चलते हैं। थकावट नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ 200 किलोमीटर 200 मीटर रह गया, वो सामने मंदिर वहाँ पे जाना है। हवा चल रही है बहुत मस्त, हवा चल रही है, मेरी कैप उड़ने वाली है। पीछे व्यू चेक करो, बोरा मंदिर जहाँ पे जाना है, चलो चलते हैं, दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। पहुंच गए मंदिर में, देखो कितना ही प्यारा लग रहा है, कितना पीसफुल, और यहाँ से ना कैलाश दर्शन भी होते हैं, देखो अभी वहाँ अंदर जाके दिखाता हूँ। जय काली, वे बहुत अच्छे से। अब यहाँ से कैलाश देखते हैं, कैलाश पर्वत इसके अंदर से, और वहाँ पे चलते हैं ऊपर, वहाँ भी मत्था टेक के आते हैं पहाड़ी पे। ये देखो अभी टेलीस्कोप से देखते हैं, ऐसे तो दिखेगा नहीं, ये देखो। अभी हमने यहाँ से जाना वापस 2 किलोमीटर का ट्रैक करके, चेक करो व्यू। चलो अब सीधा ना नीचे जाके मिलेंगे, अब जाते हुए कुछ वीडियो शूट नहीं करूँगा, सेम रास्ता है। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, शायद वाटरफॉल जाएंगे, वहाँ जाके मिलते सीधा। इस व्यू, सारे पैसे इस व्यू के हैं, जो आंखों से देख रहा हूँ ना, कैमरा तो चलो बयान कर ही नहीं सकता। हवा देखो, हम पहुंच गए पंचकुला मार्केट, पंचकुला। यहाँ का वाटरफॉल एक्चुअली ना पानी नहीं आ रहा है, इसलिए पूरा सूखा पड़ा है, देखो थोड़ा सा पानी है यहाँ पे। बाकी व्यू चेक करो आसपास का, बाकी जो ये झंडे से है ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं। चलो गाइस इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।